Good morning, everybody. In 11th class, today we have to discuss about the BSPRT and the hybridization. So these are the very important topic regarding your chemical bonding. So as for the BSPRT, what is the BSPRT? So we are valence shell electron pair repulsion theory. It is the full form of BSPRT. So as per the Lewis structure, आपने Lewis की जो अवधारणा है उसके बारे में पहले पढ़ा है कि इस Lewis में हम एटम के चारों ओर जो है उसमें नाभिक के चारों ओर डॉट के द्वारा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, लेकिन वास्तव में इन इलेक्ट्रॉन के दर्शाने से पूरे उसके अणु के ग्राफ की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, अर्थात लुईस अवधारणा से सभी प्रकार के अणुओं की आकृति को हम नहीं समझा सकते। अब साझा युग्मों और लोन पेयर के आधार पर आकृति को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो बीएसपीआरटी में क्या होता है कि जब रासायनिक आबंध बन जाता है, जैसे देखिए एक सिंपल मॉलिक्यूल कि नाइट्रोजन की जब आप लुईस स्ट्रक्चर बताएंगे तो इसको ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस तरह से ये आपके ऑक्टेट का कंप्लीशन होना या हाइड्रोजन का डुप्लीट होना और इसमें एक लोन पेयर शेष रहना, तो मॉलिक्यूल NH3 में एक एकाधि युग्म शेष रह गया है। अब जब हम इसकी अणु की आकृति को जब जानकारी लेना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वास्तव में ये जो लोन पेयर है वो इन साझा युग्मों को, इसको तो कहते हैं लोन पेयर, उसको बोलेंगे शेयर्ड पेयर अर्थात साझा युग्म। तो साझा युग्म और साझा युग्म के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है। सबसे पहले तो जो रिपल्शन फोर्सेस हैं वो एक बॉन्डिंग पेयर और दूसरे बॉन्डिंग पेयर के बीच में होगा, ये पहला रिपल्शन होगा। दूसरा, अगर उस अणु के अंदर जो है वो बॉन्डिंग पेयर के साथ में यदि इसके साथ में लोन पेयर है NP, इसको एकाधि युग्म बोलते हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण। और जो तीसरा प्रतिकर्षण है वो अगर लोन पेयर की संख्या ज्यादा हो जाए तो एक लोन पेयर और दूसरे लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण। तो इस तरह से ये जो लोन पेयर्स हैं इनके बीच में प्रतिकर्षण अधिकतम होता है, ये रिपल्शन के बढ़ने का क्रम हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों पेयर्ड ही, ये आपका शेयर पेयर कहलाएगा, एक बॉन्डिंग पेयर कहलाएगा, एक इसका कहलाएगा लोन पेयर। तो सबसे जो न्यूनतम है वो यहां है कि एक बदयुग्म और दूसरे बदयुग्म के बीच में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है और सबसे अधिक जो प्रतिकर्षण है रिपल्शन है वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है। तो बीएसपीआरटी जो है वो इन रिपल्शन फोर्सेस पर ही बेस्ड है, इनके आधार पर हम अणु की ज्यामिति को तय करते हैं। तो जैसे जैसे ये रिपल्शन फोर्सेस बढ़ने लगता है, बढ़ने कब लगेगा कि अणु के अंदर अगर सभी बॉन्डिंग पेयर हैं, जैसे कि आपके CH4, तो मेथेन में सभी बॉन्डिंग पेयर होते हैं तो उनके रिपल्शन फोर्सेस कम है, इसलिए उसकी आकृति जो है वो सिमेट्रिकल होगी और चार कोणों से बनने वाली आकृति क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। यहाँ पर बॉन्डिंग और अगर लोन पेयर उपलब्ध जैसे कि अमोनिया में, तो अमोनिया के अंदर क्या होता है कि एक लोन पेयर भी है साथ में ये तीन जो है ना वो आपके बॉन्डिंग पेयर है, साझा युग्म है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा तो बॉन्ड एंगल डाइवर्ट होगा, विचलित होगा और उससे उस अणु की जो एक रेगुलर ज्योमेट्री आती है, ज्यामिति बनती है, उसमें अंतर आएगा। और अगर अणु के अंदर दो लोन पेयर हो जाए जैसे कि H2O, तो H2O में ऑक्सीजन पर रासायनिक बंध बनाने के बाद दो एकाधि युग्म है, तो सबसे ज्यादा जो एकाधि युग्म और एकाधि युग्म के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है ये अधिकतम होता है, ये मैक्सिमम है, इसलिए यहां पर बॉन्ड एंगल का विचलन बहुत ज्यादा होगा और इससे क्या है कि अणु की जो नियमित ज्यामिति है वो विचलित हो जाती है। तो अब अपने निष्कर्ष का निकाला बीएसपीआरटी से
अणु के अंदर वैलेंस शेल में एकाग्र युग्मों की स्थिति के आधार पर उनकी ज्यामितियां जो है वो विचलित होती है। तो ये लोन पेयर अट्रैक्शन के रिपल्शन फोर्सेस के बारे में। एकाग्र युग्म में असममित ज्यामिति होती है, युग्म प्रतिकर्षण विद्युतता के अंतर में भी निर्भर करता है। एक दूसरा फैक्टर सामने हो रहा है कि उस अणु के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अंतर कितना है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे दो रहे, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से H2O बना, तो H2O के अंदर जो बनने की स्थिति है तो वहां पर क्या की विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ जाएगा, और जब विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ जाता है तो फिर बॉन्ड एंगल भी प्रभावित होता है। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं फास्फोरस के हैलाइड में कि Pi3, PbR3 और PCl3 ये तीन हैलाइड दिए हमने। अब आप क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जाते हैं तो विद्रोणता घटती चली जाती है, और जैसे जैसे विद्रोणता का मान घटेगा तो बॉन्ड एंगल का मान भी बढ़ने लगता है। ये इनके बीच में एक रिलेशन है। इसका मतलब कि केवल साझा युग्म या एकाग्र युग्मों के आधार पर ही नहीं बल्कि अणुओं की ज्यामितीय संरचनाएं वास्तव में उसमें संयोगी परमाणुओं के विद्युत ऋणताओं के मध्य अंतर पर भी निर्भर करती है। तो भव आबंध में क्या है कि जो तीव्रता का प्रतिकर्षण जो होता है वो सबसे ज्यादा होगा, द्विबंध का सबसे कम, और सबसे कम जो है वो एकल बंध का होगा। तो ये तीसरा फैक्टर यह आ गया इसमें कि पहला तो आपका ये शेयर्ड पेयर बॉन्डिंग पेयर का, नंबर दो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और तीसरा आपके हो गया इसमें कि रासायनिक बंधों की जो संख्या है उसके आधार पर। जैसे ट्रिपल बॉन्ड होता है एथाइन में, ठीक है, एथिलीन के अंदर जो होता है डबल बॉन्ड, और एथेन में होता है सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम इनकी नियमित ज्यामिति के बारे में देखें तो वास्तव में जो बॉन्ड एंगल है वो त्रिभुज में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, तो बॉन्ड एंगल अधिक है वहां पर विचलित हो जाएगा। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने, क्योंकि बॉन्ड एंगल से ही हम किसी अणु की ज्यामिति को व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन जो थ्योरी है उसके आधार पर अणु की ज्यामिति, लेकिन सही ज्यामिति की संरचना अभी भी हम नहीं कर पाते। सभी अणुओं के बारे में ऐसा नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो जो संकरण की स्थिति है वो क्या है, अब सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसके बारे में आप देखें कि संकरण क्या होता है, संकरण किसे कहते हैं। तो संकरण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि परमाणुओं के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो अलग अलग होती है, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी हाइब्रिडाइजेशन को निर्धारित करती है। सभी सहसंयोजक अणुओं में व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या BSBRT के आधार पर नहीं होती। हमने अभी दो सिद्धांत पढ़े हैं, एक तो BSEPRT और एक BBT, पर इन दोनों के आधार पर हम अणुओं की पूर्ण उनकी ज्यामितीय संरचना के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। जैसे देखिए यहां पर एक अणु है आपके BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ये BeCl2 है। अब BeCl2 में बेरिलियम के परमाणु में युग्मित कक्षक नहीं है। अगर हम इस बेरिलियम की जानकारी लें तो हमारा ये 1s2 और ये 2s2, तो 1s2 और 2s2 दो ही हुए यहां पर। अब इसके अनुसार इसका जो 2p कक्षक है वो आपके रिक्त है, ये बेरिलियम का सेंट्रल एटम। अब यहां पर एक स्थिति ये हो गई कि क्योंकि इसमें एल्विक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए अब हम इसमें से रासायनिक बंध BBT के आधार पर नहीं बना सकते, क्योंकि BBT ये कहती है कि रासायनिक बंध तभी बनेगा जब उस परमाणु के संयोजक कक्ष में एकाकी युग्म एल्विक कक्षक हो, पर एल्विक कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यहां पर रासायनिक बंध नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि BeCl2 मॉलिक्यूल बनता है,
तो आखिरकार ये कैसे बना? क्योंकि साझा करने के लिए दो एकमित कक्षकों की आवश्यकता है, यहां पर एकमित कक्षक तो है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो, तो यहां पर संकरण का सारा लिया गया है। तो इन कवियों को संकरण द्वारा समझा जा सकता है। संकरण की अगर हम परिभाषा के बारे में पहले इसको डिफाइन करें तो देखिए यहां पर असमान ऊर्जा कि एस और पी कक्षक, जैसे देखिए ये एस कक्षक है ये पी कक्षक है, दोनों की ऊर्जा में अंतर। तो इनमें अंतर जो होता है वो समान संख्या में संयोग करते हैं और ऊर्जा का पुनः वितरण करके और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न आकृति भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में कक्षकों का निर्माण करते हैं और ये भी कक्षक जो है वो संकरित कक्षक कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं संकरण। तो संकरण जो होता है ये वास्तव में समान संख्या और उनकी आकृति भी समान होगी, अर्थात संरचना भी समान ऊर्जा का स्तर भी समान, तब जाकर के वो जो संकरण पूर्ण होगा। ये संकरण की परिभाषा। अब संकरण के नियम क्या क्या है, द लॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले कि एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, लगभग समान। अब यहां पे देखिए कि 2s और 2p दोनों ही एक ही प्रिंसिपल बाउंड्री नंबर के हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं है। समान ऊर्जा वाले कक्षक जो है वो संकरण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। संकरण के पश्चात बनने वाले कक्षक जो है उनकी आकृति और उनकी संख्या समान होती है, ऊर्जा भी समान होती है। केवल संयुक्ता कक्ष के कक्षक ही इसमें भाग लेते हैं। संकरण में वे कक्षक जो संयुक्ता कक्ष के हैं केवल उन्हीं कक्षकों में संकरण होता है। रिक्त युग्मित और अयुग्मित सभी प्रकार के संयुक्त कक्ष के कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। अब संकरण के प्रकार देखिए, ये नए कक्षकों की संख्या निर्धारित करती है। जैसे कि एक एस और एक पी के बीच में संकरण हुआ तो एस पी संकरण कहलाएगा, एस का एक कक्षक और पी के दो कक्षक हुए तो एस पी टू बन जाएगा, एस का एक कक्षक और पी के तीन कक्षक मिलकर संकरण में भाग ले रहे हैं तो वह एस पी थ्री बन जाएगा। तो संकरण के प्रकार जो है वो संकरण में भाग लेने वाले ऊर्जा कक्षकों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कक्षकों की संख्या अणु की ज्यामिति तय करती है, अर्थात संकरित कक्षक कितने बने। जैसे अगर दो कक्षक ही बनेंगे तो फिर आपका रिंग ही आकृति होगी, और अगर तीन कक्षक संकरण में भाग ले रहे हो तो फिर वो ट्रायंगुलर हो गया, चार में भाग ले रहे हो तो फिर आपका या तो वर्गाकार बनेगा या फिर चतुष्फलकीय बनेगा। बनने वाले आपस में दिशात्मक और दृढ़ और स्थायी होते हैं, ये संकरण के नियम है कि इनसे बनने वाले जो रासायनिक मंग बनेंगे वो अधिक दृढ़ होंगे, दिशात्मक भी होंगे, समान आकृति समान ऊर्जा के हैं, इसलिए वो सिमेट्रिकल होंगे, सममित प्रकार के होंगे। संकरण में केवल रासायनिक संयोग के समय ही होता है, अर्थात केवल एक परमाणु, जैसे आपने बेरिलियम का परमाणु अलग रख रखा है तो उसमें संकरण नहीं होगा। बेरिलियम का परमाणु संकरण कब करेगा, जब क्लोरीन का परमाणु उसके निकट में आएगा रासायनिक संयोग, अर्थात रासायनिक संयोग के समय ही संकरण होता है। और इनके जो स्थायित्व है वो उन संख्या पर निर्भर करता है कि sp, sp2, sp3, sp3d ये संकरण के अलग अलग जो है वो प्रकार हैं, इनके बारे में आगे आप अध्ययन करेंगे। संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, केवल कक्षक ही भाग लेते हैं। आपको बताया ना युग्मित और अयुग्मित और रिक्त, तो कक्षक भाग ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। और ज्यामिति जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित नहीं करेगी, ज्यामिति करेगी कक्षकों की संख्या जो संकरित हुए हैं उसी से बनता है। अब हम सबसे पहले यहां पर एक उदाहरण से इसको समझने को, ये सबसे पहले आपका BaCl2, तो इसमें अगर आपका संकरण पूछा जाए तो ये sp संकरण कहलाएगा।
आगे स्थिति में क्या होता है कि इन दोनों कक्षकों के बीच में अब संकरण होगा, ये लगभग समान ऊर्जा के हैं। तो इन दोनों ने क्या किया कि ये यहां पर एस कक्षक और पी कक्षक मिलकर के और कुल मिला के ये चार कक्षकों का निर्माण कर लिया, 1, 1, 2, 3 और 4, ये चार कक्षक बन गए। अब इन चार कक्षकों में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का पुनर्विक्रमण होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक बने जाएंगे। तो अब हमारे पास में देखिए, जब परमाणु बेरिलियम था तब उसमें युग्मित था, और जब ये एक्साइटेड कंडीशन में हो गया, जिसको हम बेरिलियम की एक्साइटेड कंडीशन बताएंगे, तो उत्तेजित अवस्था में ये ऊर्जा ग्रहण करके और दो युग्मित कक्षकों का निर्माण कर लेता है। अब इन्हीं दो युग्मित कक्षकों में बेरिलियम जब Cl2 के साथ अभिक्रिया रासायनिक बंध बनाएगा, तो उस स्थिति में अब इनकी स्थिति ये बन जाएगी कि ये एक बेरिलियम का और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट से बताया है, ये दो कक्षक जो है वैकेंट बने रहेंगे। अब यहां पे ये दो आपके बॉन्डिंग पेयर बन गए, ठीक है, ये बॉन्डिंग पेयर बन गए। अब इसी को अगर आप आगे इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो इसको बता सकते हैं आकृति के अनुसार कि एस कक्षक जो नमलाकार गोलाकार होते हैं ये हमारे एस कक्षक, और पी कक्षक जो होते हैं वो डंगलाकार होते हैं। तो एस और पी कक्षक के बीच में ये संक्रमण हुआ, ये अपने नाभिकीय अक्षों के मध्य में, ये दूसरी स्थिति, ये हमारा पी कक्षक है। तो एस और पी कक्षकों के बीच में ये स्थिति बनी। अब यहां पर क्या होता है कि एस गोलाकार है और ये पी डंगलाकार है, लेकिन जब संकरण होगा तो संकरण के बाद में स्थिति हमारी ये बन जाएगी, ये हमारा एक एसपी संकरित कक्षक हो गया, ये इसकी आकृति। तो ऐसे कितने बनेंगे, दो बनेंगे, क्योंकि यहां पे एस में दो, एक एस का एक पी का, तो पी के दो कक्षक आपस में ये संकरण में भाग लेंगे और इस तरह से ये दो कक्षक एसपी बन गए। अब इन दोनों एसपी कक्षक के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और जब ये प्रतिकर्षित होंगे तो अपना त्रिविम व्यवस्था में स्थान कैसे ग्रहण करेंगे, ये इनका स्थान होगा, अर्थात इससे बनने वाली आकृति कैसी होगी, रेखीय। तो दो कक्षकों संकरित कक्षकों से बनने वाली आकृति रेखीय, और इस रेखीय में अब जो है वो क्लोरीन के पीजेड के साथ में ये हो गया आपका साधा, ये जो दूसरे कक्षक है ना ये आपके क्लोरीन के हैं, ये सीएल के हैं, ठीक है, और ये भी आपके थ्री पी हैं, ठीक है, ये थ्री पी कक्षक। तो इन थ्री पी कक्षकों के साथ में संकरित बेरिलियम का, हमारा बेरिलियम का परमाणु ये, तो इसके साथ में, तो आप देखिए कि आकृति कैसी हो गई, रेखीय हो गई, इसलिए इसका बंधुवान कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। तो ये एसपी कक्षकों में संक्रमण किस प्रकार से होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एसपी टू। अब इसका उदाहरण देखिए, BCl2 के बाद में आगे अगर बढ़े हम तो BCl3। अब ये हो गया आपका sp2 संकरण। कैसे हुआ कि बोरोन की जो आपके ये 2s हो गया और ये 2p, तो 2p में बोरोन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका 1s2 जो है वो यहां है, तो 1s2 संकरण में भाग नहीं ले रहा, वैलेंस शेल में कुल मिला ले 5 इलेक्ट्रॉन, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 2s में 2 और 3 में 1। अब यहां पे एक तो एक ही है, अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार यहाँ पे एक बंद ही बनना चाहिए, लेकिन बोरोन ट्राइक्लोराइड होता है, तो संकरित स्थिति में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में संकरण हुआ और संकरण के पश्चात स्थिति क्या बन गई, जब ये हमारे चार कक्षक, इन चारों के इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण, तो ये तीनों एक एक कक्षक को अधिग्रहित करेंगे, तो तीन कक्षक हो गए और तीनों एकमित हो गए। अब तीनों एग्मित, ये हमारा बोरोन का एक्साइटेड कंडीशन है, ठीक है, ये उत्तेजित अवस्था में बोरोन, तो उस स्थिति में तीन कक्षक बन गए। अब ये तीनों एग्मित संकरित, इसको कहेंगे हम
sp2 संकृत कक्षक, कितने संख्या में? तीन। अब इन तीनों के साथ में तब बनेगा BCl3। तब BCl3 में स्थिति क्या बन जाएगी कि ये जो चार कक्षक आप बता रहे हैं इसमें पहले इनको एक एक इलेक्ट्रॉन से आप बता दीजिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन डॉट से आप बता दीजिए क्लोरीन के साथ में साझा। तो ये जो तीनों डॉट वाले हैं ये किसके हैं? ये क्लोरीन के हैं। तो क्लोरीन के जो संयोजक कक्ष के इलेक्ट्रॉन है 3p के, वो एक एक इलेक्ट्रॉन, ये 3pz है क्लोरीन के 3pz। तो क्लोरीन के 3pz कक्षक जो है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ साझा करेंगे और साझा करने पर वो आपने बनाइए BCl3 का मॉलिक्यूल। अब इसकी संरचना कैसी हो, अब वापस यहां आइए। तो S का एक और P के दो, ये दो कक्षक मिलकर संकरण करेंगे और S ये कितने संख्या में बनेंगे? ये बन जाएंगे आपके तीन। तो तीन कक्षक बनने पर अब इसकी आकृति कैसी होगी मैं यहां पे बता रहा हूं। तीनों कक्षकों की, तो ये तीनों कक्षकों की जानी थी ये इस प्रकार से, ये तीन संकरित हो गए। तो sp2 संकरित तीन कक्षक अपने एक दूसरे से प्रतिकर्षक हो गए और त्रिविम में अपना ये स्थान लेंगे। ठीक है, ये इनके सबके लाभी अक्षर एक दूसरे के। अब इन तीन के साथ में क्लोरीन के तीन अर्थात 3pz, तो ये आपके 3pz हो गए। ठीक है, ये 3pz कक्षकों के साथ में ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये 3pz 3pz1 3pz1 और ये 3pz1 और ये सब किसके हैं? ये क्लोरीन के हैं। तो अब आकृति कैसे बन गई इनका आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे तो आकृति कैसी हो गई? तो बनेंगे ट्राइंगल। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री का और ये BCl3 का मॉलिक्यूल sp2 संकरित। तो sp2 संकरित BCl की जो ज्यामिति है वो त्रिकोणीय होगी और इस त्रिकोणीय ज्यामिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का होगा। तो ये sp2 संकरित। अब हम इसके बाद में आते हैं आगे बढ़ते हुए sp3 की। एक sp3 संकरित कक्षक जो है उसकी आकृति कैसी हो, ठीक है, उसकी आकृति किस प्रकार से बने और इसके लिए एग्जांपल है वो आपका CH4। ठीक है, CH4 ये sp3। तो CH4 का मॉलिक्यूल जो है वो sp3 संकरित होता है और इसमें कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आप देखिए ये 1s2 ये पूरा बराबर है और उसके बाद फिर ये 2s2 ये भी कंप्लीट है 2s2 और उसके बाद में 2p के अंदर जो चार कक्षक तीन कक्षक हैं इनमें से दो कक्षक जो है वो एग्निट है। ये कार्बन के परमाणु CH4 मेथेन का एक जो है वो ग्राउंड स्टेट में। अब कार्बन जैसे एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो उस स्थिति में इनके बीच में संकरण होगा और ये बन गए चार कक्षक और इन चारों कक्षकों में ये चारों इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपना स्थान लेंगे। ये बन गए आपके sp3 संकरित कक्षक। तो संख्या कितनी होगी? चार होंगे। अब इसकी ज्यामिति व्यवस्था को देखें तो इस तरह का एस का तो एक और पी के कितने? तीन, 1, 2, 3। ये तीनों कक्षक एस के साथ में मिलकर के ये कितने संख्या में बनाएंगे? चार संख्या में। तो चार हमको मिल जाएंगे यहां पर sp संकरित कक्षक अर्थात sp3। तो sp3 कक्षक जो है वो चार संख्या में होंगे। अब इन चारों के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो बनने वाली आकृति किस प्रकार की होगी वो आप यहां पे देखिए। ये बनने वाले चार कक्षक, ये sp3 चार कक्षकों में बनने वाले। इस आकृति को अगर आप थोड़ा इस तरह से बनाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बन गई चतुष्फल की है। तो ये तो हो गया हमारा कार्बन। अब हाइड्रोजन का 1s1, तो ये हाइड्रोजन का 1s1 गोलाकार होता है, ये हाइड्रोजन H
ये एच और ये एच, तो हाइड्रोजन के सभी 1s1 कक्षक होंगे। तो ये चारों कक्षक एक इससे संग्रहित कक्षकों से अतिकापन करेंगे, साझा करेंगे और साझा करने पर आसानी बंध बनाएंगे और इनसे जो बनने वाले अवबंध पर फिर जब आप आपस में इसको जोड़ेंगे तो उस बनने वाले अणु आकृति भी चतुष्फलकीय होंगे। तो ये चतुष्फलकीय sp3 आकृति हो गई और इसमें जो बॉन्डिंग है वो 109 डिग्री का बनता है। तो ये sp2 sp3 ये तीन प्रकार के संकरण s और p के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे अध्ययन करते हैं sp3d अर्थात d कक्षकों में अगर d कक्षक इसमें शामिल हो जाए तो फिर वो स्थिति क्या बनेगी, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं sp3 ad, sp3d। अब यहां पर पहली स्थिति ये देख लीजिए कि यहां पर sp3d में फास्फोरस मतलब d कक्षक का होना जरूरी है, तो जब d कक्षक आएंगे तो फिर आपको मालूम है कि d कक्षक आते ही इसमें 5 d कक्षक और जुड़ गए, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा हो गया 3d, ये हो गया 3p और ये हो गया 3s, तो 3s 3p और 3d और ये हो जाएगा 2s और फिर उसके बाद में ये 1s2। अब ये इस स्थिति में देखें आप इसमें कि किस तरह से ये रासायनिक आबंध बन रहे हैं, तो फास्फोरस की स्थिति को देखिए आप। फास्फोरस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, ये फास्फोरस। अब हम sp3d का जो उदाहरण है वो आप समझेंगे pcl5 से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो संकरण है वो होता है sp3d, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये कुल मिला के जो बाह्यतम संयोजक कक्ष है उस संयोजक कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3p का एक अयगमित है और 3d के पांचों के पांचों ही जो है वो आपके वैकेंट स्थिति में है। तो अब यहां पर जो है स्थिति ये बनती है कि जब इनमें संकरित कक्षकों की बारे में बात आएगी तो कुल मिला के ये कक्षक 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो ये s2 के 2 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक ये 11, तो ये 2s2p को पहले आपको दर्शाना सभी इसमें, ये 1s2 2s2 और इसके बीच में ये 2s2 2p 6, तो यहाँ पे 2p पूरा 6 होंगे। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ये 1s2 पूरा हो गया, 2s2 पूरा है, 2s2 और 2p 6 पूरा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 3 के अंदर, तो 3s के भी इलेक्ट्रॉन आने हैं इसमें, तो ये 3s, तो 3s के ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद 3p, ये 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं आप अगर कि ये 3p के अंदर जो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपके 3 रहेगी, तो 3s और 3p, ठीक है, तो 3s और 3p मिलकर ये 4 तो हो गए, 5 ही हो गए। अब कुल मिला के यहाँ पे आपको 9 कक्षक मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 कक्षक जो है वो होंगे, क्योंकि संकरण में s p और d ये सभी कक्षक भाग ले रहे हैं, लेकिन d का केवल एक ही कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए संकरण हो गया sp3d। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन सभी में कितने होंगे, ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन 5 कक्षक, ठीक है। तो 9 कक्षक थे, 9 में से जो है ना 5 कक्षक हो गए, ये सभी अयगमित अवस्था में है, बाकी के चारों हो गए वैकेंट, ये वैकेंट स्थिति में। अब जब इसमें pcl5 की स्थिति आएगी, ये फास्फोरस की जो है वो एक्साइटेड बनी, आप pcl5 में जब बताएंगे तो मैं इसी स्थिति में बता रहा हूं, यहां पे आप इसको युग्मित कर लीजिए, ये पांचों में पांचों 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, ये क्लोरीन के हो गए आपके 3pz1,
तो ये पांच इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इस तरह से पीसीएल फाइव का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब पीसीएल फाइव का मॉलिक्यूल बनने के बाद अब इसकी ज्यामिति क्या बनेगी, आकृति क्या बनेगी, तो देखिये यहाँ पर पांच कक्षक होंगे। अब ये पांचों कक्षक जो है वो किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, तो देखिए इनमें से जो तीन कक्षक हैं वो तीन कक्षक को ज्यामितीय ट्रायंगल बनाएंगे, ये सिंपल ट्रायंगल, और बाकी के जो दो कक्षक हैं वो इनके ऊपर और नीचे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाइपिरामिडल ट्राइगोनल। क्या बोलेंगे इसको, बाइपिरामिडल ट्राइगोनल। तो क्लोरीन, ये क्लोरीन तीन और ये दो, तो बॉन्ड एंगल कितना हुआ कि ये तो 120 डिग्री का हो गया, और इनके साथ में बनने वाले जो कोण होंगे क्योंकि ये तल पे होते हैं ये 90 डिग्री पे होंगे, तो दो बंद कोण तो बनेंगे 90 डिग्री के और तीन जो बंद कोण बनेंगे 120 डिग्री के। तो इस तरह से ये बनने वाली आकृति फास्फोरस इनके केंद्र में होगा, इनको आप परस्पर एक दूसरे से जोड़ दीजिए, तो ये आकृति इसलिए निर्धारित हो गई कि अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको हम बताएंगे ये पीसीएल फाइव, तो इसमें एस पी थ्री डी होता है। इसी तरह से एस पी थ्री डी टू, ये एक संकरण और एस पी थ्री डी टू, तो ये जो उदाहरण है वो आपको मिलेगा, इसमें छह कक्षक हो गए और छह कक्षक से बनने वाला ये एस एफ सिक्स सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, उसमें अंतर यह आएगा यहां कि यहां पर सल्फर के अंदर जो है वो एक कक्षक